वजन की घटाई, दो मिनट की पकाई और बढ़ती महंगाई की जरूरतों को सुलझाने वाले सूप की जगह हर देश के मेन्यू में है। भारत का भी अपना ही एक विशेष सूप है जो अंग्रेजों की पाक शैली और भाषा में तब से प्रवेश कर चुका है जब से वो भारत में बसने आए थे। पेश है मलीगटौनी, इतिहास की थाली से। मलीगटौनी या रसम टमाटर, काली मिर्च, नींबू, कड़ी पत्ता इत्यादि से मसालेदार बनाया हुआ तुअर दाल का बारीक रस होता है। तो जहां भारत में रसम का सेवन चावल के साथ ही करते हैं, पश्चिमी देशों में अंग्रेजों के प्रभाव से ये मलीगटौनी के नाम से सूप के रूप में तब्दील हो गया। इतिहास के मुताबिक ब्रिटिश राज के दौरान 1858 से 1947 के बीच जब दक्षिण भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, चिड़चिड़े अंग्रेजी सिपाहियों की संतुष्टि के लिए मलीगटौनी को ईजाद किया गया था। अंग्रेजों ने अपने सिपाहियों को स्टार्टर में सूप बनाने की आज्ञा दी, पर भारत में सूप की ये पहली पेशी थी। रसोइयों ने देखा कि वर्णन में मिले का तनीर और सूप के बीच काफी समानताएं थी, तो उसी रेसिपी में गोश्त और कुछ सब्जियां मिलाकर कुछ परीक्षण जब किया तो नतीजा सूप जैसा ही स्वादिष्ट निकला। तमिलनाडु में काली मिर्च रसम को मिलेगा तन्नीर कहते हैं। मिलेगा अर्थात काली मिर्च, तन्नीर अर्थात पानी। अंग्रेजों के लिए ये सूप जितना स्वादिष्ट था, इसका नाम उतना ही निरुत्साहित करने वाला था। आखिर किसी ने सुझाया और मिलेगा तन्नीर को मलीगटौनी बनाया। इस तरह अंग्रेजों ने अपने जबान के उच्चारण और स्वाद दोनों की सहूलत के लिए नाम बदलकर और गोश्त मिलाकर इसे भारत के शाकाहारी रसम से अलग पहचान दी। जल्द ही ये अन्य ब्रिटिश बस्तियों में भी फैल गया और हर एंग्लो इंडियन पार्टी में निश्चित ही गर्मा गर्म मलीगटौनी सूप की हाजिरी होने लगी। मिलेगा तन्नीर का सबसे पहला उल्लेख इटालियन लेखक और यात्री निकोलो मनुची ने अपनी किताब में सन 1700 के करीब किया था। उनके अनुसार दक्षिण भारतीय काली मिर्च और उबले हुए पानी के एक मिश्रण का सेवन करते थे। इसका अगला उल्लेख सन 1784 में हैदर अली के अंग्रेजी कैदियों में से एक ने मैसूर में किया था। हैदर अली टीपू सुल्तान के वालिद थे जो फ्रांस के साथ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। कैदी ने कुछ इस प्रकार अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। In vain our hard fate we repine, in vain our fortunes we rail, on Mulligatawny we dine, or congee in Bangalore jail. Mulligatawny का सबसे साधारण पदार्थ ही उसका सबसे दिलचस्प हिस्सा भी है, काली मिर्च। इसकी गंभीरता को आप शायद मामूली समझते आए हैं, पर इसे एक मसाले के बल पे कई साम्राज्य मार गिराए गए हैं। पश्चिमी दुनिया काली मिर्च पर खाने की ताजगी और रुचि दोनों के लिए निर्भर थी, खासकर मांस के लिए। काली मिर्च की एंटी माइक्रोबियल प्रकृति खाना ज्यादा समय तक ताजा रखने में मदद करती है। नमी और गर्मी वाले प्रदेशों को पसंद करने वाली काली मिर्च भारत में अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए पश्चिमी दुनिया एक समय पर हम पर निर्भर थी। 15वीं सदी के अंत में वास्को डी गामा भारत आए। उनके अनुभवों पर यदि कविता लिखी गई होती तो कुछ ऐसी लगती। कोलंबस जब भारत की खोज में निकले थे, दिशा सामर्थ्य के इतने पक्के थे, गलती से अमेरिका जाकर उतरे थे, पर वास्को डी गामा थोड़े सुलझे थे। सन 1498 में भारत सलामत पहुंचे थे। पुर्तगाली और भारतवासियों के संबंध कुछ ऐसे आरंभ हुए। कैलिकट के राजा के सामने जब वो तोहफे ले खड़े हुए, कपड़े, टोपियां, चीनी और मक्खन घड़ों में भरे हुए, कुछ निकले बेकार, बाकी सड़े हुए। स्वाभाविक सारे दरबारी हंसने को मजबूर हुए। 3 महीने बाद थी वास्को डी गामा की हंसने की बारी। जिस जहाज से वो लौटे वो काली मिर्च से इतनी थी भरी, उसका मोल हुआ पूरे सफर के 60 गुना बराबरी। पुर्तगालियों ने मसालों के व्यापार पर काबू हासिल कर लिया और अपना शासन 16वीं सदी के अंत तक चलाया। उसके बाद 3 सदियों तक ब्रिटिश, फ्रेंच और डच इस स्पाइस ट्रेड के लिए लड़ते रहे। ये मोनोपोली तभी खत्म हुई जब दुनिया भर में इन मसालों के पौधे प्रचलित हुए। एक तरफ काली मिर्च का दाना जिसके बल पे युद्ध लड़े गए और राज्य चलाए गए, और दूसरी तरफ केवल अपनी सरलता से दुनिया भर की रसोइयों में जगह जीतने वाला मलीगटौनी। भारत के वासियों की तरह इसके पकवान भी दिखावे से तो कम और हुनर से ज्यादा मशहूर है। तो अगली बार यदि आप विदेश यात्रा पर जाते हैं और काली मिर्च या रसम से मुलाकात पाते हैं, उनसे कहिए कि आप सब जानते हैं इस सहजता के पीछे कितनी विशाल बातें हैं।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.